आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। अफ्रीकी देश सूडान इस समय गृह युद्ध से जूझ रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत समेत कई देशों के नागरिक वहां फंसे हुए हैं। इस बीच भारत ने सूडान से भारतीयों को निकालने और देश वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। सूडान में करीब 3,000 भारतीय फंसे हुए हैं। वायुसेना के 2 C-130 विमान और नौसेना का INS सुमेधा जहाज सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सऊदी अरब और सूडान पहुंच चुके हैं। वायुसेना के जहाज सऊदी अरब के जेदा में तैनात है, जबकि INS सुमेधा सूडान बंदरगाह पहुंच गया है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है। लगभग 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं। रास्ते में और भी भारतीय हैं। हमारे जहाज और विमान उन्हें घर वापस लाने के लिए तैयार है। भारत सूडान में हमारे सभी भाइयों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।